6.3 क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी। तो क्या लिखा हुआ है कि फिगर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल का फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल के जो दो साइड्स हैं क्यू पी, दैट मीन्स ए साइड क्यू पी को आप प्रोड्यूस किए, मतलब आगे बढ़ा दिए, कहाँ तक आगे बढ़ाए, एस तक, ठीक है। तो क्यू पी प्रोड्यूस हो गया एस तक एंड आर क्यू प्रोड्यूस हो गया टी तक। आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। तो ये पी क्यू क्यू पी प्रोड्यूस हो गया एस तक और आर क्यू प्रोड्यूस हो गया टी तक। उसके बाद दिया हुआ है कि एंगल एस पी आर, ये जो बाहर वाला एंगल दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये 135 डिग्री दिया हुआ है। और ये एंगल दिया हुआ है पी क्यू टी दिया हुआ है 110 डिग्री। और हमको एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है, सॉरी पी आर क्यू फाइंड करना है, पी आर क्यू दैट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एक्स, यहाँ पर एक्स लिख दिए। अब ये अगर 110 है तो ये अंदर का एंगल कितना हो जाएगा, पी क्यू आर कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू टी इक्वल होगा 180 डिग्री, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब पी क्यू आर हमको फाइंड करना है, एंगल पी क्यू आर और पी क्यू टी का वैल्यू दिया है 110। तो पी क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री और ये 110 आर एच एस में आकर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड हो चुका है 70 डिग्री। अब कोई भी ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक बात बता रहा हूँ, जैसे एक ट्राइंगल है और उसमें अगर ये एंगल मान लो सी है और ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो सी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये जो इंटीरियर, इसके इंटीरियर के अपोजिट में जो दो एंगल है, इन दोनों के सम का इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। दैट मीन्स यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 135 डिग्री। तो अभी लिखेंगे नाउ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 135 डिग्री। साइड में लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तब पी क्यू आर का वैल्यू हमको पता है 70 डिग्री, तो यहाँ 70 पुट करेंगे और ये पी आर क्यू है, पी आर क्यू इक्वल टू 135 डिग्री। तो पी आर क्यू कितना हो जाएगा, 135 में 70 डिग्री माइनस करेंगे, देयरफॉर पी आर क्यू इक्वल टू हो गया 65 डिग्री। हमने एक्स का यूज़ किया नहीं क्वेश्चन में, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन, ठीक है, एज इट इज रहने देना, सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट हो जाना। तो पहले क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर, और ये 110 दिया हुआ है। तो अंदर का एंगल फाइंड हो गया, पी क्यू आर फाइंड हो गया 70 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाए हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल। तो पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 135 डिग्री, और पी क्यू आर का वैल्यू हमने 70 निकाला है, 70 पुट किए, माइनस करेंगे तो 65 आंसर आ गया है।